जय हिंद। आप सभी एक्स सर्विसमैन का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने ग्रुप सी की सिविलियन पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट और सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स की भर्ती होनी है। एक चीज आपको बता दूं दोस्तों कि पूरी इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना की जितनी भी एयरफोर्स स्टेशन हैं, इनके रिकॉर्ड ऑफिस हैं, इनके पे अकाउंट ऑफिस हैं, सभी में जितनी भी वैकेंसीज दोस्तों वैकेंट हैं आज तक, उन सभी के लिए यहां पर जो है वो कंबाइंड एक नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आप इन पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका जो स्किल टेस्ट है वो, और पूरी की पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। जैसे कि सबसे मेन पॉइंट है कि यहाँ पर दोस्तों ऑफलाइन जो है वो आवेदन आपसे मांगे गए हैं, तो आपके लिए किस एड्रेस पे अपना जो है वो आवेदन भेजना है, यानी कि एप्लीकेशन भेजना है, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ से मिलेगी। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये है दोस्तों वो नोटिफिकेशन भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट इन IAF। ओके, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट एट द वेरियस एयरफोर्स स्टेशन ऑब्लिक यूनिट मेंशन्ड बिलो। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एयरफोर्स की जितनी भी स्टेशन है जहाँ पर वैकेंसीज खाली थी, उन सभी का दोस्तों एक जो है वो कंबाइंड करके एक नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो चलिए दोस्तों कमांड वाइज और कौन कौन से स्टेशन में कौन कौन से पद खाली हैं उनकी डिटेल्स आपको दे देते हैं। सबसे पहले दोस्तों आती है यहाँ पे हेडक्वार्टर वेस्टर्न एयर कमांड न्यू दिल्ली। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर एयर ऑफिसर कमांडिंग यानी कि एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर, ठीक है, यानी कि जालंधर पंजाब में जो है वो ये भर्ती है। यहाँ पर दोस्तों हिंदी टाइपिस्ट और लोअर डिविजन क्लर्क की भर्ती है जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए एक एक वैकेंसी दी गई है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हेडक्वार्टर सेंट्रल ट्रेनिंग कमांड आती है। तो ट्रेनिंग कमांड में दोस्तों यहां पर लोअर डिवीजन क्लर्क की भर्ती है और आपकी ये जो एयरफोर्स स्टेशन है दोस्तों वो है चेन्नई। यहां पर जो ये दिया गया है डिटेल्स, ये है दोस्तों आपका पोस्टल एड्रेस जहां पर आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी है। ओके, तो यहां पर दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए एक वैकेंसी है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हेडक्वार्टर मेंटेनेंस कमांड। तो हेडक्वार्टर मेंटेनेंस कमांड में दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क की एक भर्ती है जो कि एयरफोर्स स्टेशन नागपुर में है। ओके, तो यहां पर ESM की एक वैकेंसी है। नेक्स्ट है दोस्तों AOC 25 इक्विपमेंट डिपोट एयरफोर्स स्टेशन देवलाली, यानी कि ये है दोस्तों नासिक में, तो यहाँ पर एक वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन के लिए। बाकी को मैं कवर नहीं करता हूँ, आपको पता ही है मैं केवल एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज के लिए कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट दोस्तों इसी में फिर से है AOC 23 में इक्विपमेंट डिपोट है ये, यहाँ पर दोस्तों अवधि में है ये चेन्नई में, यहाँ पर भी एक्स सर्विसमैन की एक वैकेंसी है। तो यहाँ पर दोस्तों कुल मिला के जो हेडक्वार्टर मेंटेनेंस कमांड है इसमें तीन वैकेंसीज हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों हेडक्वार्टर ईस्टर्न एयर कमांड की। तो ईस्टर्न एयर कमांड में दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क की एक वैकेंसी खाली है और इनका जो पोस्टल एड्रेस है वो ये है दोस्तों एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर आसाम, पिन नंबर ये है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों एक वैकेंसी लोअर डिवीजन क्लर्क की फिर से है, ये कौन से स्टेशन में है दोस्तों, बागडोगरा एयरफोर्स स्टेशन में ये वैकेंसी है। उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस न्यू दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स सर्विसमैन की 7 यानी कि 7 वैकेंसीज हैं लोअर डिवीजन क्लर्क की। इनका पोस्टल एड्रेस है दोस्तों जहाँ पर आपको एप्लीकेशन भेजनी है, एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली, पिन नंबर 110010। नेक्स्ट आती है दोस्तों एयरफोर्स स्टेशन रेस कोर्स न्यू दिल्ली। ओके, तो इसका जो पोस्टल एड्रेस है वो इस प्रकार है दोस्तों, दी एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन रेस कोर्स न्यू दिल्ली 110003।
यहाँ पर दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क की एक एक वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन के लिए, और उसके बाद में आती है दोस्तों एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस सुब्रतो पार्क। ठीक है, तो एयरफोर्स के रिकॉर्ड ऑफिस में दोस्तों ये वैकेंसी है लोअर डिवीजन क्लर्क की, जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए दो वैकेंसी रिजर्व है। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों हम आपकी एज की। तो एज लिमिट जो यहाँ पर रखी गई है वो है दोस्तों 18 से 25 साल। एक्स सर्विसमैन के लिए जैसे कि आपको पता है कि आपके लिए एज रिलैक्सेशन मिलती है, तो एक्स सर्विसमैन दोस्तों जो भी इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए क्या है कि आप अपनी सर्विस एक्चुअल एज में से 3 साल, सॉरी एक्चुअल एज में से आप अपनी सर्विस को माइनस कर दीजिए, उसमें से 3 साल और माइनस कर दीजिए, फिर आपकी जो एज है वो 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल फॉर ईच पोस्ट। तो अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क या फिर हिंदी टाइपिस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो इस प्रकार होगी, 12th क्लास पास होना जरूरी है आपके लिए, और आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग का टेस्ट देना होगा, तो आपके लिए हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग भी आना जरूरी है। पे लेवल आपका दोस्तों एज पर 7 CPC 2 होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। ठीक है, तो किस प्रकार आपका जो है वो सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आप एप्लीकेशन को फिलअप करेंगे और जिस भी एयरफोर्स स्टेशन में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके घर से नज़दीक है यहाँ पर या जहाँ पर वैकेंसीज ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन को भेज देंगे। उसके बाद में दोस्तों आपका होगा रिटन टेस्ट। ठीक है, रिटन टेस्ट के बाद में दोस्तों आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा। अगर आप हिंदी की टाइपिंग करेंगे तो 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश की टाइपिंग करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट की आपको स्पीड निकालनी जरूरी है। ओके, उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की, लास्ट डेट आपको कब तक भेजना है। तो लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। तो दोस्तों रोजगार समाचार यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होता है उसमें अभी तक ये जो एडवर्टाइजमेंट है नहीं छपा है, तो जिस दिन ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में छप जाएगा उस दिन से 30 दिन के अंदर आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपके रिस्पेक्टिव एयरफोर्स स्टेशन में पहुँच जानी चाहिए। अब आपको बता देता हूँ दोस्तों कि एप्लीकेशन आपको कहाँ से मिलेगी। तो ये जो फॉर्म है दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है इसमें परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन दिया गया है, ये देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको टाइप करवाना है, टाइप करके अपनी डिटेल भरनी है, यहाँ तक है ये। ठीक है, और आपके लिए अपने सिग्नेचर करके, यहाँ तक नहीं, ये पूरी एप्लीकेशन यहाँ तक दी हुई है। ठीक है, सिग्नेचर करके आपके लिए इसको आपके रिस्पेक्टिव एयरफोर्स स्टेशन में जहाँ पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं भेज देना है। आप जिस भी एयरफोर्स स्टेशन में अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर दिया गया है पिन नंबर के साथ में, लेफ्ट साइड में। ठीक है, जहाँ पर ये पोस्टल एड्रेस वाला कॉलम है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं वो सबसे पहले मैं कवर करता हूँ। जैसे आप खुद देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है अभी तक एडवर्टाइज सॉरी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर यानी कि रोजगार समाचार में भी नहीं छपा है, उससे पहले मैं आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।